मुझे माफ कर देना। इसे भी माफ हो, इसने मेरी बेटी से प्यार करने की जरूरत की है। किया था कि हम उन्हें नहीं मारेंगे। जब मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा तो उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? छोड़ो मुझे, वो मरा नहीं है अभी तक। मैंने आप पर विश्वास किया लेकिन आपने धोखा दिया। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, आपके पूरे खानदान को मार डालूंगी। वो अब तक मरी नहीं क्या? भले ही इसके पेट में छोटी जाति का बच्चा पल रहा है लेकिन माया के रगों में अभी भी ऊंची जाति का खून है, इसीलिए इसकी सांसें अभी तक चल रही हैं। जाए दोनों को और किसी सुनसान जगह पे दफना दो, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। मैं जा रहा हूं। ड्राइवर ने कारपेंटर के सामने नशे की हालत में माया के कत्ल का राज खोल दिया। उसी से मुझे इस बारे में पता चला। इन बातों से जाहिर है कि माया ने ही ड्राइवर मुथु का खून किया है और रमेश को भी वही ले गई है। और माया जिसे सबसे बड़ा गुनहगार मानती है वो तुम हो। लेकिन मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? क्योंकि तुम ही ने अपने पापा और भाई को उसका पता बताया। अब खानदान के वारिस तुम और सुरेश ही, जिसे माया मिटाना चाहती है। अगर एतराज ना हो तो मैं अपने अंकल से बात कर सकती हूँ। वो बहुत बड़े पंडित हैं। वो आत्माओं को वश में कर लेते हैं। ज्यादा दूर नहीं, केरला बॉर्डर पर, बस आधा घंटा लगेगा। सब लोग यहाँ आओ, गांव से कुछ लोग आए हैं। नमस्ते बेटा। नमस्ते। दरअसल बात यह है, कल देवी के मंदिर में एक पूजा है, उसकी कुछ रस्में पूरी करनी होती हैं। आपके पिता इस गांव के प्रधान हैं, इस नाते ये पूजा उन्हीं को करनी थी, पर क्योंकि अभी वो अस्वस्थ हैं इसलिए उनके बड़े बेटे को ही ये पूजा करनी होगी। लेकिन वो तो किसी जरूरी काम से शहर गए हैं। तो क्या हुआ, उनके छोटे बेटे हैं ना, अब इस पूजा का दायित्व तो आपको ही संभालना है। लेकिन ये काम मैं कैसे? भैया आप चले जाइए, पता नहीं वो वहाँ से वापस कब आएंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए, सब लोग मंदिर में प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ठीक है, मैं आऊंगा। मेरी बात तो सुनिए। मैं चाहकर भी नहीं सुन सकता, मुझे उनसे मिलने तो दीजिए। समझिए मैडम, देखिए उन्हें हार्ट प्रॉब्लम है, वो कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर यहाँ आए हैं। डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिनों के लिए आराम करने को कहा है, ऐसे में वो पूजा कैसे कर सकते हैं? कोई बात नहीं, चलते हैं। रुक जाओ, पूजा की तैयारी करो। पर गुरुजी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये लोग बड़ी आस्था से आए हैं, इनकी मदद करनी होगी। इस रस्म के लिए आपको इस नदी के पवित्र जल को लेकर मंदिर के प्रांगण में ले जाकर जल प्रवाहित करना होगा। हाँ आपकी, अब आप मंदिर की ओर प्रस्थान कीजिए। माना कि माया के साथ अन्याय हुआ, पर क्या वो अपने भाई और भतीजे को मार देगी? आत्मा न्याय और अन्याय की परवाह नहीं करती, जब तक उसकी प्रतिशोध की अग्नि शांत नहीं हो जाती वो लोगों को मारती रहेगी। जिस वक्त उसे मारा गया उस वक्त वो गर्भवती थी, इसकी वजह से वो और ज्यादा क्रोधित हो गई। कई सालों बाद हो रहा है इसलिए इस बार इसका बहुत ही खास महत्व है। आसपास के सारे गांव के लोग यहाँ आए, अलग अलग वेशभूषा में अपनी अपनी रीति रिवाज के साथ देवी माँ की पूजा करते हुए उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करेंगे। थोड़ी ही देर में लोगों का यहाँ मेला लग जाएगा। पूजा ये
सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। आत्मा कितनी भी ताकतवर हो, अपने आप कभी कुछ नहीं कर सकती। उसे काबू करने के लिए मानव शरीर का होना बहुत जरूरी है। माया ने भी तुम में से किसी के शरीर में प्रवेश किया है। ज्योतिषाचार्य ने सूर्योदय के समय का शुभ मुहूर्त बताया है, उसी समय मंदिर में महायज्ञ आरंभ होगा। और ये भी कहा है कि इसी मुहूर्त में सब कुछ हो जाना चाहिए। उसी समय मंदिर में महायज्ञ भी आरंभ किया जाएगा। यज्ञ की लौ काफी ऊपर तक जाएगी। और जब यज्ञ की लौ काफी ऊपर पहुंच जाएगी, तब लोग मंदिर के ऊपर से जल प्रवाहित करेंगे। उसी जल से माता का अभिषेक होगा, फिर माता की शक्ति जागृत हो जाती है। कल देवी के मंदिर में महायज्ञ होगा। यज्ञ समाप्त होने से पहले वो आत्मा ताकतवर रहेगी और कल वो बदला लेने की कोशिश करेगी। हमें पता लगाना होगा कि वो किसके शरीर में है। क्या करना होगा हमें? पहले तुम पता लगा लो, उसके बाद मैं खुद आऊंगा। कितने दिनों के बाद पी रहे हैं, दिमाग में जंग लग गई थी। दारू में तो खुशबू ही नहीं है। खुशबू चाहिए तो मेरा बॉडी स्प्रे पी लेना। अरे कितने दिनों के बाद मिला है, गला गीला करने। ये पानी आ बहन शू करे छे? कुएं में अंगूठी गिर गया। ए मार दिया, ए मार दिया, तूने मार दिया ना। इतने दिनों से लोगों को मार रही है, अब ये तेरी बोल बोलता हूँ। बुला बुला सबको, ए बुलाने, ए इडली खाने के लिए मुंह क्या खोल रहा है, चिल्ला के बुलाने। तुझसे नहीं होगा, तुझे किक लग गई है। तू इधर ही रहना, मैं बुला के लाता हूँ। लाल साड़ी पहन के तैयार होके ऐसे खड़ी है जैसे दुल्हन का रोल कर रहा हूँ, शूटिंग के लिए आई हो। लेकिन एक्सीलेटर दे रहा हूँ, लेकिन गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? ये कौन है? शायद उसकी कोई सहेली होगी। सहेली है या पहेली है, दोस्त के घर रहना चाहिए ना, उसकी बॉडी में क्यों रह रही है? ये कुछ रहने वाले है। वही रहना। अच्छा हुआ भूतनी ने हमारे साथ चक्कर नहीं लगाए, वरना साथ फेरे के बाद इससे हमारी शादी हो जाती। मैं जिंदगी भर कुंवर रहूंगा। रुक जाओ, थप्पड़ मारने की वजह तो बताओ। ये गंडा गंडा हो गया है, कुछ नहीं किया है हमने, फिर भी झापट पड़ रही है। अगर ये चिल्लाएगा तो पापड़ बनेगा। अगर तुम वाकई एक शेर दिल चुड़े लो, अगर तुमने भूतों का दूध पिया तो इसको मार के बताओ। मैं तो गया, जिस सांप को मैंने इडली खिला के बड़ा किया उसी सांप ने मुझे काटा। मेरी भूत बहना, मेरे जैसे मरे हुए को मार के आपकी मार्केट में वैल्यू कम हो जाएगी। Thank you.
बेटा, माया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, मुझे माफ कर दो। अपनी छोटी शान और शौकत के लिए तुमने मेरे पति और बच्चे को इतनी बेरहमी से मार दिया, अब दया की भीख मांग रहे हो? उनसे भीख मांगो जो तुम्हारे तलवे चाटते हैं, बचा लेंगे वो तुम्हें। बस तो मुझे बेटी, मैं तुमसे दया की भीख मांगता हूँ। इसी जहर से मैंने एक बाप को अपनी बेटी की कोख उजाड़ते देखा, आज वही जहर मैं तुझे पिला रही हूँ। सही कहा, सस्ती पी के तो माथा दुखना चाहिए, ये शरीर क्यों दुख रहा है? हवे मने खबर पड़ी। वो क्या है? नशे की हालत में हमने किसी को जोर जोर से मारा है, हमने तो मारा और हमारा शरीर इतना दुख रहा है, जिसको हमने मारा उसका कितना दुखता होगा। नींबू आत्मा के बारे में बताएगा, ये कैसे हो सकता है? ये बहुत ही शक्तिशाली नींबू है, अंकल ने कहा है तो सच ही होगा। अभी तक लौटे ही नहीं। हाँ हाँ भाभी, जब से अमेरिका से लौटे हैं किसी की परवाह ही नहीं है, मेरी किस्मत में बस इंतजार लिखा है। मतलब आत्मा भाभी के शरीर में? किसकी? माया की? हाँ अनिता, माया की आत्मा। माया? वक्त आने पर बताऊंगा, फिलहाल भाभी से जरा दूर रहना। मैं घर के बाकी लोगों को भी बता देती हूँ। आत्मा तुम्हारी भाभी में नहीं, मेरी बहन के शरीर में है। क्या मतलब? जहाँ से भाभी आई थी ये उस तरफ से काला नहीं हुआ, बल्कि उस तरफ से हुआ जिस तरफ से मेरी बहन अनीता आई थी। मैंने मामले को और उलझा दिया। ये अच्छा ही हुआ कि वो ये बात जानती है कि हम लोगों को भाभी पर शक है। हमें एक घंटे के अंदर अंदर अनीता को हर हाल में इस घर से दूर ले जाना होगा। वो क्यों? क्या कह रही हो? भाभी के शरीर में भूत है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। यकीन नहीं होता तो पैरों के निशान देखो। बाप रे, एक पैर सीधा एक पैर उल्टा, चप्पल कैसे पहनती होगी? वैद्य जी मर गया, मुझे बुला रही है। कहाँ है वैद्य जी? जल्दी माता बुला रही है। ये चुड़ैल स्कूल टीचर की तरह अटेंडेंस क्यों ले रही है? वैद्य जी जल्दी आइए। चलना तू चल मेरे साथ, मुझे बुला रही है तो जाना पड़ेगा ना। चलो चलो चलो। जय हनुमान, बहुत ज्ञानी गहरा सागर कपीश समथिंग बहुत बहुत। गलत क्यों बोल रहे हो? इसे ऐसे बोलते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशति हूँ लोक उजागर। भूत नहीं, भूत भगाने वाला मंत्र पढ़ रही है, इससे तो भगवान भी नहीं बचा पाएगा। आपके चेले ने मुझे बालों के लिए दवा दी थी, ठीक है, लेकिन जब से लगाना शुरू किया है बाल और तेजी से झड़ रहे हैं। फिर तो इसे नकली भूत नहीं कह के बुलाना पड़ेगा। नकली तेल बेचने के लिए ये चुड़ैली मिली थी। कौन सा तेल है? नाम तो नहीं पता पर मूंगफली का तेल लगता है। मूंगफली का तेल? मैं बदल डालूंगा चेले को। नहीं नहीं, तेल बदल डालूंगा। कौन है आप? मैं मंजू का अंकल हूँ, मंदिर के उत्सव में आया हूँ। उसने कहा तू यहाँ ड्यूटी कर रही है इसलिए मिलने चले आए। अरे घर में एक भूतनी की एंट्री से हम सब लोगों को डिसेंट्री लगी हुई है, बस एक तांत्रिक की कमी रह गई थी। आप लोग अंदर आइए, मंजू को बता दो कि उसके अंकल आए हैं। जी छोटी मालकिन आइए। क्या हुआ? कुछ नहीं,
रेस्टोरेंट में जाके मस्ती मत करना। चलो संभल के जाओ। अभी आप नहीं आ रही? नहीं, सर में बहुत दर्द है। आप जब से आई हैं घर से बाहर नहीं निकली है। चलिए आज बाहर डिनर करते हैं। अगर वो मना कर रही हैं, तो तुम जिद मत करो। ये हम लोग को ले चलो। साथ में चलेंगे। इतने बड़े घर में भाभी के साथ अकेले नहीं रह सकते। ठीक है, आप भी चलिए। चल चल, आजा आजा। चलो चलो। आगे गुरुजी। चलो। तुम्हारे अंकल डिनर पर नहीं आ रहे क्या? वो डिनर कर चुके हैं।